हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन विदेश में हुए थे। सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि भारतीय लोगों के द्वारा ये क्रांतियां विदेश में की जा रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जरा सोचो कि आखिर में भारतीय लोग विदेश में जाकर के क्यों क्रांति कर रहे थे। ठीक है, और आज हम विशेष करके कवर करने वाले हैं लंदन में कौन कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन हुए वहां रह करके और जर्मनी में। ठीक है, तो इन दोनों देशों के सापेक्ष में चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, दोस्तों जब कभी आप वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो देखने के दौरान किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। मुझे भी पता है जैसे आप लोग हमारा वीडियो चालू करते होंगे मेरा लेक्चर स्टार्टिंग में 10-20 सेकंड आता है, आप उतना आगे फॉरवर्ड कर देते हो। ठीक है, लेकिन यार हमेशा समझो ना कि कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो प्लीज, अगर वो कोई बात कर रहा है बहुत छोटी बात है आपके लिए कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ठीक है, मैं आपसे आपकी जिंदगी का 1-2 मिनट मांग रहा हूं, तो प्लीज अगर हो सके तो इतना जरूर दीजिए। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन ये विदेश में ही क्यों हुआ। ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, क्योंकि अगर क्रांति करनी ही थी तो भारत के परिक्षेत्र में रह करके या भारतीय राज्यों में रह करके या भारत की सीमाओं के अंदर रह करके भी क्रांति की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए चुना गया विदेश को, यानी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो थी। दोस्तों आपको तो पता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, अगर उसके आगे पीछे की बात कर लें तो अंग्रेजों की जो सरकार थी वो काफी लंबे समय से थी। 1757 में जब आपका सिराजुद्दौला को हरा करके, बंगाल के नवाब को हरा करके वहां पर अंग्रेजों ने शासन किया। 1764 में आपने देखा बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पैठ बनानी शुरू की भारत में, धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की, धीरे धीरे करते 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 उन लोगों को 100-200 साल बीत गए। 100-200 साल बाद जो उनकी स्थिति थी, जहां पे अभी हम लोग पहुंचे हैं आपकी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, या इस समय तक अंग्रेज जो थे उनकी स्थिति बड़ी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, और उनसे पंगा लेना, उनसे लड़ाई करना और उनसे विद्रोह करना, ये अपने भारतीयों के बस की बात नहीं थी। उसके पीछे रीजन भी था, क्यों? क्योंकि जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके थे, उनके पास उतनी बड़ी फौज नहीं थी, कोई अपडेटेड फोर्स नहीं था। ठीक है, उनके पास लड़ने के लिए कोई शस्त्र नहीं था, वही तलवार भाले, ठीक है, यही सारी चीजें। और अंग्रेजों के पास क्या थे? राइफल थी, बंदूकें थे, बॉम्ब थे। ठीक है, तो जिसके माध्यम से वो हर एक राजाओं को परास्त कर देते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां थी, ऊपर से उससे भी बड़ी कमजोरी कि हम लोगों में कोई एकता नहीं था। ठीक है, हर राजा एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहता था, हर राजा एक दूसरे को गिराना चाहता था, उसको कुचलना चाहता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे अंदर में कोई एकता नहीं थी, इसी वजह से अंग्रेज इतने लंबे समय तक शासन करने में कामयाब रहे। लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा कई सारी दमनात्मक कार्रवाइयां की गईं। कुल मिलाजुला कर अंग्रेज जो है चाहते ही नहीं थे कि भारत में किसी भी तरह का आंदोलन हो, क्योंकि 1857 का जो आंदोलन था उसने अंग्रेजों की जड़ें इतनी हिला दी थी। अलग बात है कि अंग्रेज रूपी जो पेड़ था वो गिर नहीं पाया, लेकिन उनकी जड़ों तक जो है यह सूचना पहुंच गई थी कि भारतीयों में भी ताकत होती है। अब अंग्रेज पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो चुके थे। ठीक है, किसी भी तरह का जन आंदोलन शुरू होने से पहले ही उस जन आंदोलन को कौन सा नेता जो स्टार्ट किया है, किसके तहत स्टार्ट किया गया है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी कार्रवाई की जाती थी। तो आप ही बताइए कि आखिर में हम क्रांति करें तो करें किस तरह से। कोई भी नौयुवक चाहता था कि हम कोई संगठन बना लें और अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएं, तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो ऐसे में हम अपनी आवाज उठाएंगे कैसे? यानी कुल मिला जुला करके उनके दमन को, जो दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं उसको स्वीकार करते रहो, उसी में बैठे रहो, चुप रहो, इसी में भलाई है। ठीक है, लेकिन जो हमारे नवयुवक थे, कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांति की इस लड़ाई को एक दिशा देना चाहते थे, हमारे भारत को आजाद कराना चाहते थे, और ऐसे ही लोगों की कहानियां हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों विदेशों को यहां पर टारगेट बनाया गया, क्यों? तो आप सबसे पहला रीजन यहां पर याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दमनात्मक कार्यवाही चल रही थी उससे लोग क्या हो गए थे, लोग एकदम परेशान हो चुके थे, लोग उससे, इन दमनात्मक कार्रवाइयों से परेशान हो चुके थे। ठीक है,
परेशान होने का मेन रीजन क्या था? क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख नहीं सकते थे। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा और यहां से विदेश चल करके वहां पर संगठन बना करके और वहीं रह करके भारत को आजादी दिलाएंगे। और कैसे दिलाएंगे? तो वहां पर जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग हैं वो, प्लस कुछ और मित्र लोग, और जो बाहरी क्रांतिकारी दूसरे देशों का सपोर्ट मिलेगा वो, इन सभी का सपोर्ट लेकर के यहां पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ देंगे। यह विचार लेकर के भारत के कुछ नवयुवक भारत से बाहर जाते हैं, ठीक है। और यही सोच करके हमारे भारत से बहुत सारे लोग कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, अनेक देशों में जाते हैं और वहां रह करके अनेक संगठन बनाते हैं। और संगठन बना करके, याद रखिए, सबका जो है एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? भारत को आजादी दिलाना, किसी भी तरीके से भारत को आजादी दिलाना। क्यों? क्योंकि भारत में रह करके कुछ कर पाना यह थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा असंभव था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज करने नहीं देते, अंग्रेज करने नहीं देते। इसी वजह से ये चीजें की गई कि भारत से बाहर रह करके चीजें की जा सकती हैं। अंग्रेज स्वंग्रेज छोड़ो, जो कांग्रेस था, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो कहां कुछ करने दे रहे थे? गरम दल वाले जैसे कोई बात उठाते थे तुरंत कांग्रेसी उसको दबा देते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारा ड्रॉबैक था और हम लोग एक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। और एक अच्छा रास्ता ये निकला कि विदेशों में रह करके विदेशी सपोर्ट के माध्यम से हम बाहर रह करके इस सत्ता को उखाड़ने में थोड़ी सी चतुराई दिखाएंगे, ठीक है। और ये काम होता है, इसके लिए जो दोस्तों ढेर सारे संगठन बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो याद रखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे आज ही याद रखिए, आज ही हम लोग लंदन पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग जर्मनी पे बात करने वाले हैं, जर्मनी में बर्लिन जगह था, ठीक है। ये सब एकदम एक्टिव जगह था जहां पर हमारे भारतीयों ने संगठन बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा आपका यूएसए हो गया, इसके अलावा आपका जापान हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ये वो जगह है दोस्तों जहां पर रह करके ढेर सारे संगठन बनाए गए, उन संगठनों के माध्यम से, ठीक है, भारत को आजाद कराने की एक जो है न्यू रखी गई। और उसी न्यू की बात करने जा रहे हैं, तो अपनी कहानी हम जा रहे हैं शुरू करने लंदन से, ठीक है। चलिए, अगर लंदन की बात आती तो लंदन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लंदन में जो सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन था उस संगठन का नाम क्या था और उसको जो है किसने बनाया था, यह मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं। मुझे पता आप भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, याद रखिए, इंडियन होम रूल लीग, होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी या होम रूल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी याद रखिए, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। ये विदेश में स्थापित होने वाली या भारत की सीमा से बाहर किसी दूसरे देश में स्थापित होने वाला पहला क्रांतिकारी संगठन था। क्या था दोस्तों? पहला क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम क्या था? इंडियन होम रूल लीग एसोसिएशन, याद रहेगा। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है। अच्छा, इसको स्थापित करने के लिए उनको किसी ने सुझाव दिया होगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा, इसका सुझाव उनको हिडमैन ने दिया था। किसने दिया था इसको बनाने का सुझाव? उनको किसने दिया था दोस्तों? तो हिडमैन के सुझाव पर यह चीज उन्होंने किया था, ठीक है। अच्छा, ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे ये कर क्या रहे थे? ये तो भारतीय थे, ये चले गए लंदन। अच्छा, इसको बनाया कहां गया था? लंदन में। तो लंदन पढ़ रहे तो समझिएगा, लंदन में बना दिया गया इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। और इसी के माध्यम से ये कहा गया कि हम लोग भारत की स्वाधीनता की लड़ाई यहां से लड़ना शुरू करेंगे। तो उसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? रामजी कृष्ण वर्मा है। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है अब्दुल्ला सुहरावर्दी, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अब्दुल्ला सुहरावर्दी, ठीक है, सुहरावर्दी, ठीक है। ये इसके क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। दोनों लोग मिलकर इस सोसाइटी को चलाते थे। इस सोसाइटी के कई सारे महत्वपूर्ण मेंबर हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो, मैं याद दिलाऊं आपको। चलिए, एक तो आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा हो गए, ठीक है। इसके बाद कुछ मेंबर का नाम बताता हूं। मदन लाल धींगरा का नाम सुना है? मदन लाल धींगरा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी के रूप में इनको याद किया जाता है, ठीक है, और इनका नमन करना चाहिए आप सभी को। अभी बताऊंगा क्यों, इनकी कहानी अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा लाला हरदयाल का नाम सुना होगा, लाला हरदयाल का नाम सुना होगा। पंजाब से अजीत सिंह जी का नाम सुना होगा,
अजीत सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है, ये लोग इसके मेंबर हैं। और आगे चल के बी डी सावरकर, ठीक है, जो तिलक जी आए थे विदाई करने के लिए, विनायक दामोदर सावरकर को कहां से, बंबई से भेजा गया जब लंदन, तो लंदन आए और किसके यहां रुके थे आके, यही श्याम जी कृष्ण वर्मा से आके मुलाकात किए थे, याद है ना, तो बी डी सावरकर, ठीक है, बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये जो लोग आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण सदस्य थे किसके, इंडियन होम रूल लीग एसोसिएशन के, ठीक है, या सोसाइटी के, पूरा नाम है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, ठीक है, तो इसके सदस्य थे। अच्छा, इसकी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप सभी जान जाएंगे ना, भारत में स्वशासन, होम रूल लीग मतलब स्वशासन, भारत में स्वशासन की स्थापना करना ही इसका क्या है, मूल उद्देश्य था, इस पार्टी का मूल उद्देश्य था। अब देखिए, जो भी लोग भारतीय आते थे ना, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या कहते थे कि अब भाई उनके रुकने की कहीं व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, जो भी भारतीय लोग आएंगे, जो भी क्रांतिकारी लोग आएंगे, उनको रखा कहां जाएगा, इसीलिए लंदन में इन्होंने बनाया था इंडिया हाउस। एक्चुअली में इंडिया हाउस में आपको बता दूं, एज ए हॉस्टल था, जैसे हॉस्टल होता है ना, उसी तरह से एक हॉस्टल था इंडिया हाउस, जहां पर जो लोग भारत से जाते थे, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, जो लोग इस सोसाइटी से जाकर वहां जुड़ते थे, जिनका उद्देश्य केवल यह था कि किसी तरह हम भारत को आजादी दिला दें, यहां पर जो है स्वशासन अपनाने के लिए विवश कर दें अंग्रेजों को, तो याद रखिए इसीलिए ये बनाया गया था इंडिया हाउस, और यहीं पर जाकर के लोग रहते थे। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों, सबका विचार जब आके मिलता था, तो याद रखिए लोग इंडिया हाउस में बैठते थे जब, ठीक है, और वहीं पर होता था देश की आजादी कैसे दिलाई जाए, उसके लिए पूरी रणनीति यहां पर तैयार किया जाता था। अब देखिए होता क्या, इंडिया हाउस में दोस्तों एक बार क्या किया गया, 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके लिए एक वार्षिकी मनाया गया, ठीक है, उसका एक वार्षिकी मनाया गया, और ये वार्षिकी मनाया गया 9 मई 1905 को। बहुत ध्यान से कहानी समझिएगा, इंडिया हाउस में 9 मई 1905 को, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट सेट करने के लिए आपसे पूछ देता है, ठीक है, तो 9 मई 1905 को इंडिया हाउस में क्या किया गया, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, वो तो 1857 में हुआ था, हाँ उसी स्वाधीनता संग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस स्वाधीनता संग्राम की एक वार्षिकी मनाई गई, ठीक है, और जब इसका वार्षिकी मनाएगा तो धीरे धीरे अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल गया। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि एक ब्रिटिश की पत्रिका हुआ करती थी, इंग्लैंड की एक पत्रिका आती थी द टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स में इस सोसाइटी के खिलाफ कुछ लेख प्रकाशित हुए और उसमें इस सोसाइटी के सदस्यों की निंदा किया गया, उनकी आलोचना किया गया, और उसके बाद ये जो सोसाइटी थी और इसमें काम करने वाले जो लोग थे ये अंग्रेजी सरकार के निगाह में पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं कि केवल यही लोग निगाह में पहुंचे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने क्या किया था, ठीक है, अपने स्वाधीनता की लड़ाई का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय हितों की रक्षा के लिए और भारतीय हितों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट। इसके बारे में भी आपसे पूछता है तो याद रखिएगा, इंडियन सोशलिस्ट नाम का इन्होंने एक पत्र भी निकाला था, इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। अब बताइए, जब ये पत्र अगर लंदन में घूमेगा इंडियन सोशलिस्ट, क्या इसके बारे में वहां के अंग्रेज अधिकारियों को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। इंडिया हाउस में अगर रुक रुक के एक मीटिंग होती रहेगी तो क्या इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, उन लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और यहां पर हो क्या गया, तो मैंने आपसे बताया ना कि द टाइम्स ने क्या किया, आलोचना किया। द टाइम्स क्या था, समाचार पत्र का नाम है, ठीक है। द टाइम्स ने जब इसकी आलोचना किया, इस पार्टी के और काम करने वाले लोगों की यहां पर आलोचना किया, तब जो है कटघरे में आ गए, कौन आपके, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और जैसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा कटघरे में आने वाले ही थे कि उसके पहले उन्होंने कहा कि अब हमारा यहां से चले जाना ही सही है, क्यों, क्योंकि अगर मैं रहूंगा तो मेरे चलते ये सारे लोग जो है गिरफ्तार हो जाएंगे और स्वाधीनता की लड़ाई यहीं पर रुक जाएगी, तो मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके यहां से कहां चले गए, पेरिस जाके शिफ्ट हो गए। कहां पे शिफ्ट हो गए दोस्तों, याद रखिएगा, लंदन से शिफ्ट हो गए जाकर के पेरिस, ये चले गए। अच्छा, यहां का कार्यभार अब कौन संभालेगा, यहां का कार्यभार अब कौन संभालेगा, तो सारा दायित्व सौंप दिया वीडी सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर जी को सारा दायित्व यहां पर सौंप दिया गया। अब 1908 में पूरा काम जो है इनके हाथों में आ गया, विनायक दामोदर सावरकर के हाथों में आ गया। और जब विनायक दामोदर सावरकर जी हेड बनते हैं इस सोसाइटी के और इंडिया हाउस के, तो याद रखिए उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखा, ठीक है, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। आपसे पूछता है, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम की किताब जो है किसने लिखा है, जिसका नाम था भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857। और यह किताब लिखा था किसने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। किस समय लिखा था, जिस समय वो यहां पर हेड के तौर पर थे, कब, 1908 में किताब लिखा था इन्होंने, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, या स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है,
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। याद रखिए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें 1857 की क्रांति का सच्चा रूप दिखाया गया। इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं, किसी भी किताब में सच्चा रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो एस एन सेन यानी जो आपके सरकारी इतिहासकार थे, उनके द्वारा भी जो 1857 लिखा गया उसमें भी आपको इतना वर्णन नहीं मिलेगा जितना वर्णन बी डी सावरकर साहब ने इस किताब में किया, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वाली किताब में किया है। 1908 में यह जो है किताब लॉन्च होनी थी। दोस्तों 1908 में ही गदर दिवस मनाया जाता है, 10 मई 1908 को गदर दिवस मनाया जाता है, कहां पर? इंडिया हाउस में, ठीक है। अच्छा, इस गदर दिवस में भी एक भयंकर चर्चा होती है, ठीक है, और वहां पर एक डिसीजन लिया जाता है किसके द्वारा? मदन लाल धींगरा के द्वारा। देखिए, मदन लाल धींगरा ने क्या किया, एक व्यक्ति की हत्या कर दिया। मदन लाल धींगरा कौन है? अभी बताया ना, इसी सोसाइटी का वो सदस्य है, ठीक है। तो मदन लाल धींगरा के बारे में यहां समझिएगा कहानी को। मदन लाल धींगरा ने क्या किया यहां पर, धींगरा, ठीक है, मदन लाल धींगरा ने क्या किया, आपके लंदन में ही, ठीक है, या ब्रिटेन में ही, वहां के भारत सचिव थे, वहीं पे रहते थे भारत में। देखिए, दो भारत सचिव होते थे, एक तो भारत में होते थे, एक लंदन में ही होते थे। तो लंदन में भारत सचिव थे करजन वाइली, क्या नाम था? करजन वाइली, ठीक है। करजन वाइली को गोली मार दिया किसने? मदन लाल धींगरा ने करजन वाइली को वहीं पर लंदन में ही गोली मार दिया। करजन वाइली को गोली मार दिया, और गोली मार गया क्या गया, इनकी हत्या हो गई। जब ये मर गए, उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिवेट हो गई कि भाई ये क्या हो गया, हमारे यहां आकर के भारत सचिव को गोली मार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यह घटना घटी थी 1909 में, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1909 में क्या मदन लाल धींगरा ने करजन वाइली को गोली मार दिया। और आपका गदर दिवस कब मनाया गया था, यह भी याद रखिएगा, गदर दिवस कब मनाया गया था, तो इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया था 10 जुलाई 1908 को, और इसी में डिसीजन हुआ था, ठीक है, क्या डिसीजन हुआ था कि इसको जो है इसकी हत्या किया जाएगा। तो पूरा एकदम प्री प्लान्ड था, और इस पर क्या हुआ, इनको मार भी दिया गया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने ढूंढ लिया मदन लाल धींगरा को, और मदन लाल धींगरा को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो एक क्रांतिकारी का यहां पर सशस्त्र नमन, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र न करते हुए भारत की स्वाधीनता संग्राम में अपने जान को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है, मदन लाल धींगरा। अच्छा, वजह इसके पीछे क्या थी, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सर वजह क्या थी कि मदन लाल धींगरा ने करजन वाइली की हत्या किया। तो कहा जाता है दोस्तों, बहुत सारी किताबों में मैंने ढूंढा, हालांकि किताबों में इसका वर्णन नहीं मिलेगा आपको, बट याद रखिएगा यहां पर कहा गया था कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, यानी जो जिस सोसाइटी से जुड़े थे, उस सोसाइटी के जो हेड थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी निंदा किया था किसने, उनसे, उनके साथ उनको काफी प्रताड़ित किया था किसने, करजन वाइली ने, याद रखिएगा। इस वजह से उसका बदला लिया मदन लाल धींगरा ने, ठीक है, कि हमारे ही मास्टर साहब को किसने परेशान कर दिया। तो ये हो गया। अच्छा, मदन लाल धींगरा यहां चले गए, श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले ही जा चुके हैं। मदन लाल धींगरा के जाने के बाद लाला हरदयाल ने भी फैसला कर लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वहां पर इंडिया हाउस में रुक पाना और इस सोसाइटी को चला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो लाला हरदयाल ने भी फैसला किया कि अब हमको भी यहां से निकलना चाहिए, और यहां से कहां चले गए, वो भी बाहर जाके शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, वो यहाँ से सीधा कनाडा चले गए, ठीक है, कनाडा गए। बाद में पता चलता है कि कनाडा के सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया गदर पार्टी पर, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने गदर पार्टी बनाया, उसके पहले गदर दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो गदर पार्टी बनाया, बाद में जब वो प्रतिबंधित हो जाती है तो फिर वो वहां से शिफ्ट कर जाते हैं बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में आते हैं। चलिए आगे कहानी बताऊंगा अभी उनकी, लाला हरदयाल की, यहीं पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करिए लाला हरदयाल की कहानी। अगला मेंबर कौन है, अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है वो आपके हैं विनायक दामोदर सावरकर। भैया बी डी सावरकर तो हेड चुने गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा कार्यभार छोड़ करके श्याम जी कृष्ण वर्मा कहां चले गए, पेरिस चले गए थे। तो अब क्या होगा यहां पर दोस्तों, बताऊं, आपके बी डी सावरकर जी को भी यहां पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। भाई किस मामले में, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपको पता होगा नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस, मैंने आपको पढ़ाया है नासिक षड्यंत्र केस, एक बार फिर से भी याद दिला देता हूं मैं आपको, नासिक षड्यंत्र केस, ठीक है। इस षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि जो नासिक का डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका नाम क्या था, जैक्सन, ठीक है, जैक्सन की हत्या कर दिया था लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने, किसने किया था, लक्ष्मण अनंत कन्हारे, ठीक है, लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने इसकी हत्या कर दिया था। और इसी में नाम भी आ गया था किसका, बी डी सावरकर का, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि बी डी सावरकर वहां रह करके वहां से बंदूकों को और इन सारी चीजों को, ठीक है, एकदम सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भारत भेजते थे, गुप्त तरीके से भेजते थे। कहा जाता है कि किताबों में जो है बंदूकों को छिपा करके वो भेज देते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो याद रखिए, इस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जो ब्रिटिश सेना थी वो इनको अरेस्ट
करके लेके जा रही थी, कहाँ पर, भारत में जा रही थी। जब ये भारत पहुँचने वाले थे तब तक क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मुझे शौच आई है, और शौच के बहाने थोड़ा सा हटे वहाँ पर, हालांकि उनके साथ पुलिस वाले थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट समुद्र में छलांग लगा दिया। तैरते तैरते पहुँच गए फ्रांसीसी अधिकारियों के पास। बाद में जो अंग्रेजी सरकार थी उसने फ्रांसीसी अधिकारियों पर दबाव बनाया और बी डी सावरकर को अपने पास हिरासत में ले लिया। उसके बाद इनको आजीवन कारावास का दंड दिया गया और यहाँ पर इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो मदन लाल धींगरा को फांसी दे दिया गया, बी डी सावरकर को भारत में ला करके आजीवन कारावास दे दिया गया, और आपके लाला हरदयाल आपके कनाडा चले गए, ठीक है। और इधर आपका क्या हुआ, श्याम जी कृष्ण वर्मा वो आपके पेरिस चले गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। अगला हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों जर्मनी की तरफ, ठीक है, जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के बारे में अगर आपको समझना है, पढ़ना है कि जर्मनी में किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, तो आपको जानना पड़ेगा एक महिला के बारे में, ठीक है, जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए यहाँ पर, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा, याद रखिए मैडम भीकाजी कामा, हालांकि पूरा नाम मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा, इनका पूरा नाम क्या है, मैडम भीकाजी रुस्तम, बीच में लगाइएगा रुस्तम, फिर लिखेगा के आर फिर कामा लिखेगा, ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा, ठीक है, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था मुंबई में, 1861 में इनका जन्म हुआ था बम्बई में, एक पारसी परिवार में जन्म हुआ था। हालांकि आप कह सकते हो कि आपके फ्रांसीसी मूल की भारतीय महिला थी, कहाँ की, फ्रांसीसी मूल की भारतीय महिला थी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं जर्मनी के ऊपर। दोस्तों इनके बारे में बता दूं, पहले इनकी दो तीन उपाधियां मैं बता देता हूं, तब आप जानिए कि इतनी बड़ी बड़ी उपाधि इनको क्यों दिया गया। इनको कहा गया कि क्रांति प्रसूता हैं, प्रसूता मतलब, ठीक है, प्रसूता मतलब क्रांति को जन्म देने वाली ऐसी महिला जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया, इनको क्रांति प्रसूता कहा गया। इसके अलावा कहा गया कि ये भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन है। क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, महान पुजारिन, ठीक है। ये सब इनको क्या दिया गया था, ये सब इनकी उपाधियां थी, टाइटल थी, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां अगर इनको दिया गया, मदर ऑफ इंडिया ऐसे मदर टेरेसा पहुंच जाएंगे, मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन, क्या बोलते थे इनको, एक और बोला गया था मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन, ठीक है, मदर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे कर लीजिए लास्ट में लिख दिए रिवॉल्यूशन, ठीक है, मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन, यानी भारत में रिवॉल्यूशन की जनक भी कौन मानी जाती है, तो मैडम भीकाजी कामा। तो ऐसी महिला के बारे में तो थोड़ी सी इच्छा होती है कि इनके बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ जाना जाए। दोस्तों इन्होंने जब डिसाइड किया कि हमको भारत के लिए एक आंदोलन करना है, क्यों आंदोलन करना है, क्योंकि ये भी चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से भारत को आजाद कराया जाए, चाहे जैसे भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में रह करके कुछ काम करना उचित नहीं समझा, क्यों, वही सारे चीज है ना, जो भी देखिए नौजवान लोग हैं वो यही चाहते थे कि भारत से बाहर निकलें, एक संगठन बनाएं और आ करके वहां से जो हम सारा काम हैंडल करें यहां पर। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये सबसे पहले यहां से बाहर गई, लंदन गई, लंदन का भ्रमण किया इन्होंने, जर्मनी का भ्रमण किया इन्होंने, अमेरिका का भ्रमण किया, हर एक जगहों पर भ्रमण करके वहां के जो मूल क्रांतिकारी थे या वहां पर रह रहे जो भारतीय क्रांतिकारी लोग थे उनसे जाकर इन्होंने मुलाकात किया, उन संगठनों में गई, अपने प्रस्तावों को रखा, उनके प्रस्तावों को समझा, ठीक है। इस तरह से एक तरह से आप मानो तो पूरे विदेश में सभी संगठनों को एकजुट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान जाता है। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, 1906 की वो घटना याद करिए, जब श्याम जी कृष्ण वर्मा कहां से आपके लंदन से पेरिस आके शिफ्ट हुए थे, ठीक है, लंदन से पेरिस आए थे, तो पेरिस आने के बाद उनकी मदद किसने किया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने किया था, याद रखिए 1906 में कौन आपके, श्याम जी लिख दूं समझ जाएंगे ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा जब लंदन से कहां शिफ्ट हुए, लंदन से पेरिस आए, तो पेरिस आने पे दोस्तों इनकी मदद किसने किया था, इनकी मदद किसने किया था, आपके मैडम भीकाजी कामा ने ही मदद किया था। उन्हीं के सहयोग से इन्होंने क्या किया, फिर अपनी जिंदगी को एक नया दिशा दिया और फिर संगठन बनाया और फिर लड़ाई अपनी शुरू किया, ठीक है, क्योंकि अगर लंदन में रहते वहां से गिरफ्तार हो जाते, ठीक है, बी डी सावरकर क्या हुए, गिरफ्तार कर लिए गए, लाला हरदयाल ना हटे होते वो भी गिरफ्तार हो जाते, मदन लाल धींगरा को फांसी दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं रह करके कोई काम कर पाना बड़ा मुश्किल था। हाँ एक चीज और बताओ दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा ने दो पत्र निकाले थे, उनके बारे में आप याद रखिएगा, दो पत्र, वो दो पत्र कौन कौन से थे, एक तो वंदे मातरम, एक तो था कौन सा, वंदे मातरम, देखिए एक और वंदे मातरम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो निकाले थे अरविंद घोष भारत में, यह दूसरा वंदे मातरम है, यह पत्र है, ठीक है, याद रखिएगा पत्र, तो वंदे मातरम भी इन्होंने निकाला और मदन तलवार, ठीक है, मदन लाल धींगरा के नाम पर याद रखिए, मदन तलवार, ठीक है, मदन तलवार, ये दो पत्र निकाली थी, इन
पत्रों के माध्यम से सभी क्रांतिकारियों के अंदर एक भावना पैदा करना, उनको एकजुट करना, एक संगठन बनाना और भारत की आजादी के लिए प्रयास करना, यह इनका एक मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 6 में यहां इनसे मुलाकात होती है, 7 में निकल जाती है जर्मनी जाती है जर्मनी के स्टुगार्ड में। मिटा दूं इसको, कहानी समझिएगा आगे। जर्मनी में एक जगह है दोस्तों स्टुगार्ड, ठीक है, जर्मनी के स्टुगार्ड में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है, क्या नाम था याद रखिए, जर्मनी के स्टुगार्ड में, स्टुअर्ट वहां का जगह का नाम है स्टुअर्ट, ठीक है, बर्लिन भी वहां का बहुत फेमस जगह है। तो यहां पर एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ठीक है, याद रखिए। तो ये एक सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी, तो याद रखिए मैडम भिकाजी कामा भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और उसी रिप्रेजेंटेशन के दौरान वहां पर उन्होंने एक ओजपूर्ण भाषण दिया और भाषण देने के बाद पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया, यानी विदेश में पहली बार भारतीय तिरंगा कब फहराया गया, तो मैडम भिकाजी कामा ने कब फहराया था, याद रखिए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था जर्मनी के स्टुअर्ट में, वहां पर फहराया गया। एक चीज और बता दूं, जो आज का तिरंगा हमारा है केसरिया सफेद हरा बीच में नीले कलर का आपका अशोक चक्र, ये आपका हमारा तिरंगा उस समय नहीं था, ये तो बाद में डिजाइन हुआ, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। ये वाला जो तिरंगा था दोस्तों, इस तिरंगे में आपको खास बात बता दूं, इसमें भी जो है तीन थे, ठीक है, लेकिन तीन में याद रखिएगा यहां पर हरा केसरिया और लाल था, ठीक है, हरा केसरिया और लाल, ठीक है, ये तीन रंग था, हरा केसरिया लाल, बीच में केसरिया, यहां पे लाल। और याद रखिए दोस्तों, बीच में आपका लिखा था वंदे मातरम, कौन सा शब्द लिखा था, बीच में वंदे मातरम शब्द लिखा था। और दो चीजें यहां पर थी, एक तो आपके कमल के फूल बने थे, 8 कमल के फूल बने थे, ठीक है, 8 कमल के फूल जो 8 प्रांतों को दर्शाते थे। इस झंडे को डिजाइन किसने किया था, फहराया तो भिकाजी कामा ने, ठीक है, इस झंडे को डिजाइन किसने किया था, तो याद रखिए इसको डिजाइन किया था वीर सावरकर और हेमंत दास ने, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बीडी सावरकर का नाम आता है इसमें और हेमंत दास, ठीक है, हेमंत दास ने इसको, इस झंडे को डिजाइन किया था जिसको फहराया था किसने, स्टुगार्ड में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने, ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उधर से अच्छा इधर की कहानी चलती रहती है, इधर धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता रहता है, उधर क्या होता है, लाला हरदयाल जब कनाडा गए थे, कनाडा में जो है गदर पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसके बाद कनाडा से निकल करके लाला हरदयाल कहां पर आते हैं, जर्मनी आते हैं, जर्मनी के बर्लिन में आते हैं, बर्लिन में उनकी मुलाकात होती है मैडम भिकाजी कामा से, और वहां पर आकर के उन्होंने फिर से अपना एक उद्देश्य बनाया कि हमको फिर से एक पार्टी बनानी है, ठीक है, एक संगठन बनाना है, और बनाते हैं भारतीय स्वतंत्रता समिति। क्या बनाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता समिति। स्थापना किसने किया, लाला हरदयाल और आपकी मैडम भिकाजी कामा ने 1916 में बनाया, क्या, भारतीय स्वतंत्रता समिति, ठीक है, और इसके माध्यम से फिर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ये दोनों लोग लग गए, ठीक है, तो याद रखिए इसको बनाया था लाला हरदयाल, नाम याद रखिएगा लाला हरदयाल, ठीक है, और कौन, प्लस मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, तो ये सब याद रखिए दोस्तों। चलिए यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, अगले वाले टॉपिक में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इन दो जगहों को छोड़कर के, यानी लंदन जर्मनी के अलावा, अमेरिका में किस तरह से क्रांतिकारी संगठन को अपने मजबूत किया जाता है, ठीक है, और कामागाटू प्रकरण क्या था वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना देखेंगे, वहां पर हम डिटेल से देखेंगे लाला हरदयाल जब आपके लंदन से निकल करके कनाडा गए तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया और किस तरह से फिर वहां पर प्रतिबंधित होने पर वो यहां से कहां आ गए, बर्लिन आ गए। तो इसकी कहानी अगर आपको पढ़नी होगी तो कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है और ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, आपके साथ कोई झोलझाल नहीं है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज एक छोटा सा निवेदन है, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट हो तो उसको पूरा देखिए, हो सके दोस्तों तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिए, ठीक है, ऊपर ऑप्शन देता है विजिट एडवर्टीजमेंट का, वहां पर क्लिक करिए प्लीज, अगर हो सकता है आपको लगता है कि थोड़ा भी अच्छी क्लास चल रही है तो प्लीज ऐसा करिए, ओके। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर जरूर से करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो किसी की जिंदगी बन जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं
नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर जाओगे लाख डेढ़ लाख दो लाख फीस दोगे, कम से कम 50-60-70 तो दो ही के दो, ठीक है। और यहाँ क्या है कि सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है और उससे बेहतर क्वालिटी दिया जा रहा है। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स से टैली करा सकते हो स्टडी 91 के किसी भी नोट्स को। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हिंदी पे आ जाओ, आप बायोलॉजी पे आ जाओ, आप पॉलिटी पे आ जाओ, आगे अभी ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी पे आ जाना, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के टैली करा लेना, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर्स का मटेरियल हो, चाहे वो आपका जीएस की टेस्ट सीरीज हो, किस कोई भी चीज हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक चीज में अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिलेगा स्टडी 91 पे। तो यहां रुक करके आप अपने जीवन में अस्थाई तरीके से पढ़ सकते हो, एक दिशा दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हो सकेगा तो प्रोत्साहित करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं।